हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ जो कौन सा आप बेस्ट प्राइमर होता है इनसाइड के लिए। तो अगर आपका वॉल पे पुट्टी किया हुआ है, घर में वॉल पुट्टी का काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कौन सा प्राइमर लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपका रूम में अगर आप चाहते हैं जो शाइनिंग वाला आपको प्लास्टिक पेंट करना है, जैसे कि लग्जरी एमुलेशन आप करवाना चाहते हैं, जैसे कि रॉयल शाइन, तो दोस्तों ये रॉयल शाइन करने से पहले ज़रूर आप एशियन पेंट का बेस कोट प्राइमर यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इसको बेस कोट बोला जाता है, प्राइमर नहीं, रॉयल बेस कोट। तो आपको पुट्टी का ऊपर कोई भी प्राइमर नहीं करना है। एशियन पेंट का जो ट्रू केयर प्राइमर आता है, नॉर्मल एडवांस प्राइमर, वो नहीं करना है, आपको रॉयल बेस कोट ही करना है। तो दोस्तों ये बेस कोट करने से क्या होता है, आपका जो लग्जरी इमुलेशन होता है, तो ये शाइनिंग वाला प्लास्टिक पेंट जितना आप लोग लगाता है, तो बेस कोट लगाने से क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा शाइनिंग करता है। और एक रूम में अगर आपको प्लास्टिक पेंट 6 से 7 लीटर लगता है, अगर आप बेस कोट करते हैं तो आपका जो प्लास्टिक पेंट लगेगा वो 4 से 5 लीटर में ही हो जाएगा। बहुत ही कम प्लास्टिक पेंट खाता है दोस्तों। ये बेस कोट कर देने से क्या होता है, आपका वॉल जितना रहता है रूम का, तो बहुत ही ऑयली हो जाता है, तो उसमें प्लास्टिक पेंट बहुत ही उसका ऊपर अच्छा फिनिशिंग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो, इससे पहले भी मैं बेस कोट का वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट आते रहते थे और बहुत ही कॉल आते थे कि सर इसको कैसे करना है, प्राइमर करने से पहले करना है या प्राइमर करने के बाद करना है। तो दोस्तों वो खुद ही एक बेस कोट प्राइमर है, तो उसको अप्लाई करने से पहले कुछ आपको प्राइमर नॉर्मल नहीं करना है। तो आपको पहले वॉल पुट्टी कर लेना है, वॉल पुट्टी करके सैंडिंग अच्छा से कर लेना है, ट्यूबलाइट जला के पूरा वॉल चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको रॉयल बेस कोट करना है। आप 1 से 2 कोट रॉयल बेस कोट अच्छा से अगर अप्लाई कर देते हैं, तो उसका ऊपर प्लास्टिक पेंट भी आपका बहुत कम लगेगा और अच्छा बहुत ही शाइनिंग करेगा आपका प्लास्टिक पेंट, अगर आप शाइनिंग वाला प्लास्टिक पेंट करवाते हैं तो। अगर आप मैट फिनिश चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है ये रॉयल बेस कोट करने का, तो आप नॉर्मल जो ट्रू केयर एशियन पेंट का प्राइमर आता है वो प्राइमर से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्राइमर सिर्फ अगर आपको सेकेंड क्वालिटी भी आप प्लास्टिक पेंट यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आपको ये प्राइमर नहीं करना है। जैसे कि एप्कोलाइट एडवांस साइन, एप्कोलाइट एडवांस, ये सब अगर प्लास्टिक पेंट करते हैं सेकेंड क्वालिटी रेंज में, तो आपको ये बेस कोट प्राइमर नहीं करना है, आपको नॉर्मल ट्रू केयर का जो प्राइमर आता है वही कर लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा शाइनिंग चाहिए वॉल पे, बहुत ही अच्छा ग्लेज करे आपका वॉल, तो आप रॉयल बेस कोट करवाइए। इससे पहले आपको कोई प्राइमर नहीं करना है, ये खुद ही एक प्राइमर है, इसको 1 से 2 कोट करना है। तो कैसे करना है वीडियो में मैं लास्ट तक बताया हूँ, फुल डिटेल्स में बताया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं पेंट रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते ही रहता हूँ। तो दोस्तों कोई भी पेंट रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत पड़े तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको सही जवाब देने का। दोस्तों ये है एशियन पेंट का रॉयल बेस कोट प्राइमर। तो दोस्तों ये बेस कोट प्राइमर एशियन पेंट का सबसे अच्छा प्राइमर है दोस्तों। तो इसे कैसे अप्लाई करना है मैं इस वीडियो में दिखाया हूँ। तो इसका MRP है 10 लीटर का 2220 रुपया। तो ये मुझे पेंट स्टोर में 1850 रुपया में मिला है लेस देके। तो दोस्तों ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है, अगर आप कोई लग्जरी कैटेगरी में पेंट करते हैं, जैसे कि रॉयल साइन, एस्पिरा, कोई भी ग्लेजी वाला प्लास्टिक पेंट अगर करते हैं जिसमें शाइनिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो दोस्तों आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। पुट्टी का ऊपर पुट्टी घिसने के बाद आपको कोई प्राइमर अप्लाई नहीं करना है, रॉयल बेस कोट प्राइमर 2 कोट अप्लाई कर लेना है अच्छा से। तो ये प्राइमर अप्लाई करने से क्या होगा दोस्तों, आपका वॉल में जो टॉप कोट होता है प्लास्टिक पेंट होता है इसके ऊपर, तो वो आपका बहुत ही कम लगेगा, आपका 3 वॉल में 2 लीटर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्राइमर कर लेने से आपका वॉल बहुत ही ऑयली हो जाता है, इसीलिए प्लास्टिक पेंट बहुत ही कम लगता है। तो दोस्तों और प्लास्टिक पेंट में शाइनिंग भी बहुत अच्छा देता है। अगर आप कोई प्रीमियम क्वालिटी का पेंट यूज़ करते हैं तो आपको ये प्राइमर यूज़ नहीं करना है। अगर सेकेंड क्वालिटी का कोई भी प्लास्टिक पेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्कोलाइट एडवांस साइन, ये सब प्लास्टिक पेंट करते हैं, या फिर डिस्टेंपर करते हैं, ट्रैक्टर एमुलेशन करते हैं, तो उसमें आपको ट्रू केयर का प्राइमर यूज़ करना है, एडवांस प्राइमर।
तो उसका भी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। तो दोस्तों ये प्राइमर आपको यूज़ करना है अगर आप शाइनिंग चाहते हैं वॉल पे, अगर आप लग्जरी कैटेगरी का प्लास्टिक पेंट लगाइएगा वॉल पे तभी आप ये प्राइमर यूज़ करें। तो दोस्तों ये प्राइमर यूज़ करने का क्या प्रोसेस है इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहले ये इसको आधा एक बाल्टी में ले लेना है और इसमें आपको 200 पर लीटर में 200 का हिसाब से पानी मिला लेना है। तो दोस्तों ये है फर्स्ट वायलेट यूनिवर्सल स्टेनर एशियन पेंट का है, इसमें थोड़ा वायलेट मिला देने से क्या होता है, अगर आपका वॉल में पुट्टी वाइट किया हुआ रहता है तो इसके ऊपर डायरेक्ट प्राइमर अगर आप अप्लाई करते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो कहीं कहीं बाकी रह जाता है, डबल डबल रोलर मारना पड़ता है, तो उससे क्या होता है जॉइंट का बहुत दाग आ जाता है। तो हल्का वायलेट दे देने से क्या होता है तो आपका प्राइमर तो सही से अप्लाई होता है वॉल पे। तो दोस्तों इसमें अब मैं पानी मिला लेता हूँ। तो दोस्तों रॉयल बेस्कोट का प्राइमर, रॉयल बेस्कोट प्राइमर का वीडियो इससे पहले भी ये चैनल में दिया हुआ है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए ये प्राइमर के बारे में और डिटेल्स में बताने के लिए, तो इसीलिए मैं और एक बार बेस्कोट का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बेस्कोट अप्लाई करने के लिए भी आपको एक 1.5 इंच ब्रश, 950 एशियन पेंट का रोलर, इससे स्मूथ फिनिश होता है, और एक ट्रे लगता है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का प्राइमर रेडी। तो दोस्तों बेस्कोट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लग्जरी साइन चाहते हैं वॉल पे साइनिंग करें तभी आप ये प्राइमर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही दामी प्राइमर आता है। तो नॉर्मल अगर आप कोई भी मैट फिनिश चाहते हैं या फिर आप सेकेंड क्वालिटी का प्लास्टिक पेंट यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये प्राइमर यूज़ नहीं करना है, तब आपको नॉर्मल जो एशियन पेंट ट्रू केयर का एडवांस प्राइमर आता है वो प्राइमर यूज़ करने से भी चलेगा। तो दोस्तों ये हो गया प्राइमर रेडी, अब मैं वॉल पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले कोना सब में साइड सब में ब्रश से कटिंग कर लेना है 1.5 इंच ब्रश से, उसके बाद ही वॉल पे रोलर से अप्लाई करना है। तो दोस्तों एक कोट अप्लाई हो जाने के बाद आपको डबल कोट 6 से 8 घंटा सूखने के लिए देना है, उसके बाद ही आपको डबल कोट करना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं थोड़ा आपका बजट कम है तो आप ये प्राइमर एक कोट करके भी आप इसके ऊपर रॉयल साइन कर सकते हैं। तो आपको ये प्राइमर में पानी कम मिलाना है, 100 से 150 ml पानी मिलाना है पर लीटर का हिसाब से, तो आपका एक कोट प्राइमर मानने से भी चलेगा। मेरा बहुत सारा साइड में एक कोट प्राइमर करके भी होता है क्योंकि बजट में थोड़ा उससे कम ही आता है। तो दोस्तों एक 10x रूम रॉयल बेस्कोट से प्राइमर करने के लिए आपको 10x12 रूम में 4 लीटर प्राइमर लगेगा एक कोट अगर आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आप डबल कोट अप्लाई करते हैं तो आपको 6 लीटर प्राइमर लगेगा, 4 लीटर प्राइमर करीबन आपको 800 रुपये में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि डिब्बा में बेस्कोट का डिब्बा में लिखा हुआ है आप 500 ml तक पानी मिला सकते हैं, लेकिन 500 ml पानी मिलाने से दोस्तों आपका रोलर से बहुत नीचे गिरेगा और वॉल आपका कैसा ड्राई है तो आपको पहले से पता नहीं रहेगा। तो अगर वॉल में आपका ड्राई नहीं, वॉल आपका ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आपका वॉल में फिर ज़्यादा पानी देके अप्लाई करने से चूने लगेगा वॉल से। तो दोस्तों पानी कम ही मिलाना है, प्लास्टिक पेंट में भी पानी थोड़ा कम मिला के ही करना है, जो जैसा डिब्बा में लिखा हुआ है वैसा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि डिब्बा में दूसरा प्रोसेस से वो लोग कंपनी से करके दिखाता है, लेकिन रियलिटी में जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें जैसे काम होता है जैसे वॉल रहता है तो वैसा हिसाब से ही हम लोग पानी मिलाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा पानी मिला देने से पेंट में क्या होता है कि चूने लगता है मटेरियल सब, इसीलिए थोड़ा कम पानी मिलाने से अच्छा काम होता है, अच्छा शाइनिंग भी आता है और काम भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आप रॉयल बेस्कोट में 150 से 200 ml का हिसाब से पानी मिलाइए, ज़्यादा पानी नहीं मत मिलाइए। अगर आप डबल कोट करते हैं तभी आप 300 ml पानी मिला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं पेंट रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते ही रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।